दोस्तों मूवी की शुरुआत साइकियाट्रिक वार्ड से होती है, जहां पर हमें मूवी की लीड कैरेक्टर डॉक्टर रोज को दिखाया जाता है, जिसकी मुलाकात उसके एक पेशेंट लॉरा से होती है, जो उसे ये बताती है कि कुछ दिनों पहले उसने अपने प्रोफेसर को अपने आंखों के सामने सुसाइड करते हुए देखा, जिसकी वजह से लॉरा डिप्रेशन में चली गई है। और साथ ही वो ऐसा भी मानने लगी है कि उसका पीछा कोई सुपरनेचुरल चीज़ कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लोग नज़र आते हैं, और तो और उसे अपनी ग्रैंडफादर भी नज़र आता है, जिसका डेथ काफ़ी साल पहले ही हो चुका है। पर उन सभी में कॉमन चीज़ ये है कि वो सभी उसे देख के स्माइल करते हैं, जो स्माइल नॉर्मल स्माइल नहीं है, क्योंकि लॉरा को वो स्माइल देख के उन सभी लोगों से डर लगता है। और अब वो घबराई हुई इस बात से है, क्योंकि उन लोगों ने उससे कहा है कि जल्द ही वो मरने वाली है। पर डॉक्टर रोज उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे लॉरा का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे वो सुपरनेचुरल चीज नजर आने लगता है। लेकिन रोज को वहाँ पे कोई भी चीज नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो हेल्प के लिए कॉल करती है। लेकिन वहाँ कोई आए उससे पहले ही हम देखते हैं कि लॉरा डॉक्टर रोज को देखते हुए वही खतरनाक स्माइल करती है, और साथ ही पास ही में पड़ा एक टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा उठाकर खुद का गला काट लेती है। फिर दूसरे दिन रोज देखती है कि उसकी पेशेंट कार्ल उसे देखकर वही स्माइल कर रही है, और साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर उसे ये बताता है कि वो जल्द ही मरने वाली है। जिसके बाद घबरा कर रोज हेल्प के लिए वहाँ कुछ लोगों को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं कि कार्ल तो उस पूरा समय सो रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर मॉर्गन, जो कि रोज की सुपीरियर होता है, वो इस बात को लेकर कंसर्न हो जाता है कि शायद लॉरा का सुसाइड देखकर रोज थोड़ी घबराई हुई है। इस वजह से वो रोज को पेड लीव दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सुपरनेचुरल चीज उसके साथ कंटिन्यूअसली होते रहता है, जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप उसके मंगेतर ट्रेवर के साथ खराब होने लगता है, और साथ ही उसके सिस्टर हॉली के साथ भी। हाल ही में उसने अपने नेफ्यू के बर्थडे में उसे गिफ्ट तो दिया था, लेकिन उस गिफ्ट के अंदर उसकी मरी हुई कैट निकलती है, जिसे देखकर उसकी नेफ्यू तो डर जाता है और साथ ही रोज भी, क्योंकि उसने अपने नेफ्यू के लिए कुछ और खरीदा था। उस बर्थडे पार्टी में रोज एक ऐसा शख्स को भी देखती है, जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन वो शख्स किसी और को नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से रोज जख्मी हो जाती है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि लॉरा की प्रोफेसर भी मरने से पहले ठीक लॉरा की तरह स्माइल करते हुए लॉरा की तरफ देखा था, जो चीज लॉरा ने भी उसके साथ की है, जिस वजह से वो अब उस प्रोफेसर के जानकारी के लिए उसके घर में पहुंच जाती है, जहां उसे प्रोफेसर की वाइफ मिलती है, जो उसे ये बताती है कि उसकी हस्बैंड पहले तो ठीक थी, लेकिन एक औरत के सुसाइड के बाद वो अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। इसके बाद वो वहाँ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर रोज सीधा जाकर अपने एक्स जोएल से मिलती है, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है, और साथ ही वो लॉरा की डेथ का केस भी हैंडल कर रहा होता है। जोएल से रोज को पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने जिस औरत को मरते हुए देखा था, उसने भी कुछ दिन पहले अपने सामने किसी और को सुसाइड करते हुए देखा था, जो चेन कंटिन्यूअसली चला जा रहा है। पर जोएल को अपने इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि उस सिचुएशन से एक शख्स जिंदा बच गया है, जिसने खुद को नहीं बल्कि किसी और को मारा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सुपरनेचुरल चीज सिर्फ लोगों को मारता ही नहीं, बल्कि मरने से पहले वो जिसकी तरफ स्माइल करके देखेगा, वो चीज या कर्ज उसको ट्रांसफर हो जाता है। जोएल रोज को कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने सामने किसी को सुसाइड करते हुए देखा था, उन्होंने उसके एक वीक के अंदर ही सुसाइड कर लिया है। लेकिन जैसा कि जोएल ने पता लगाया था कि कर्ज से एक शख्स जिंदा बच गया था, तो वो दोनों उसके पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो शख्स एक जेल में होता है, जिसका नाम रॉबर्ट है। वो रोज को बताता है कि तुम्हें इस कर्ज से बचने के लिए खुद को या फिर किसी और को मारना पड़ेगा, तभी तुम इससे आजाद हो सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज को हॉस्पिटल के बाहर एक सपना आता है कि उसने वही पेशेंट कार्ल का मर्डर कर दिया है, वो भी अपने सुपीरियर डॉक्टर मॉर्गन के सामने, जो देखकर डॉक्टर मॉर्गन ने अपने फेस की पूरी स्किन को ही अपने हाथों से निकाल लिया है। लेकिन जैसे ही ये रियलिटी में आता है, तो हम देखते हैं कि रोज की कार में सच में वो नाइफ पड़ा हुआ है, जिस पर नजर डॉक्टर मॉर्गन की पड़ जाता है, और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि उन्हें डर है कि रोज कहीं खुद को चोट न पहुंचा दे। इसके बाद रोज वहां से घर ना जाके सीधा इन सारी चीजों से दूर जाने की डिसीजन लेती है, क्योंकि उसका बहन और उसका होने वाला पति इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। पर वो इस कर्ज को किसी और तक नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो एक अकेली जगह जाने के बारे में सोचती है, वो भी अपनी फैमिली होम में, जहां उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वहां पहुंचते ही रोज को अपने मॉम की विजन आते हैं, लेकिन असल में वो वही सुपरनेचुरल चीज होता है। थोड़ी देर में वो सुपरनेचुरल चीज अपने असली रूप में आता है, जिसको देखकर रोज कन्फर्म करती है, लेकिन वो चीज रोज के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रोज बचने की कोशिश कर रही होती है, और साथ ही वो उसे जलाने की भी कोशिश करती है, ताकि वो अपने इस कर्ज को खत्म कर सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन इस दौरान वो अपने पूरे घर को भी आग लगा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा जोएल के अपार्टमेंट पे पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी कह रही होती है कि मैंने बेवजह ही तुम्हें इन सारी परेशानियों में फंसा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जोएल उसे देखकर स्माइल कर रहा है। ये चीज रोज को डिस्कम्फर्ट कर देती है, और वो समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक हैल्यूसिनेशन है। वो असल में अभी भी अपने पुराने घर में है, और जोएल उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुका है।
अब तक वो सुपरनेचुरल चीज रोज के दिमाग के साथ खेल रही थी ताकि उसे अपना अगला शिकार मिल सके। अब जब रोज उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करती है तो जोएल को देखकर वो घबराकर वापस खुद को उसी घर में लॉक कर लेती है, जहां पर वो सुपरनेचुरल चीज रोज को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है उसके बॉडी में घुसकर। रोज को होस्ट बनाने के बाद जैसे ही जोएल घर के अंदर आता है उसकी नजर रोज पर पड़ता है तो वो देखता है कि रोज खुद पर केरोसिन छिड़क रही है। इसके बाद घूमकर जोएल को स्माइल करती हुई देखती है और खुद को आग लगा देती है। यानी अब ये कर्ज यहीं पर रुका नहीं बल्कि इसको एक नया शिकार मिल गया जो कि जोएल के बाद भी कंटिन्यू होता ही रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।